नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर आप सभी के समक्ष, नसीबा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सूफी सॉन्ग हमारे बीच में आया है, जो कि हमारे मास्टर सलीम साहब, जो कि पंजाब की आन बान शान है, उन्होंने ये गाने को कंपोज किया। और मियाँ शेर मियादाद साहब की ये लिरिक्स है, और इसको बेसिकली 5 सिंगर्स ने गाया दोस्तों। तो मैंने कोशिश की है कि इसकी मैं आपके समक्ष नोटेशन शेयर करूँ और इसकी ट्यूटोरियल में आप सभी के लिए लेके आऊं। तो आइए शुरुआत करते हैं ये खूबसूरत लेक्चर नसीबा आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो राग भोपाली पर आधारित है ये कंपोजिशन। राग भोपाली में बेसिकली 5 स्वर लगते हैं, लेकिन जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, भोपाली मिश्र। इसका मतलब दोस्तों कुछ अन्य स्वर लगे हैं भोपाली के अलावा। वो कौन कौन से लगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस कंपोजिशन में कौन कौन से स्वर लगे हैं, सर्वप्रथम हम वो जानते हैं। एक तो सा रे का पा धा सा, ये भोपाली के 5 स्वर हैं। इसके अलावा कोमल गा लगा है, ठीक है, और इसके अलावा तीव्र मध्यम का भी प्रयोग इस कंपोजिशन में हुआ है। इसका मतलब 5 स्वर भोपाली के और 2 अन्य स्वर विवादी स्वर के रूप में इस कंपोजिशन में यूज किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए राग भोपाली का आरोह अवरोह 5 स्वर का है, पेंटाटोनिक स्केल है ये। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, विवादी के रूप में कोमल गंधार का प्रयोग हुआ है। हम ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, ये जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं वो एक तो तार सप्तक में उनकी गायकी ज़्यादा चलती है, उसके अलावा शुद्ध राग में कम सुनने को मिलता है। उसको ब्यूटिफाई करने के लिए एक राग से दूसरी राग में जाने का चलन है। और पटियाला घराना हम सब जानते हैं, उसमें तानों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। किस प्रकार हम राग की खूबसूरती को बढ़ा सकें, उस चीज़ का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पटियाला घराना में हमें देखने को मिलता है, और वही चीज़ इस कंपोजिशन में हमें देखने को मिली है। तो कोमल गंधार और तीव्र मध्यम का जहाँ जहाँ प्रयोग हुआ वो आपको नोटेशन में समझ ही आ जाएगा। और वैसे मूल कंपोजिशन राग भोपाली पर आधारित है। राग भोपाली का आरोह अवरोह इस प्रकार है, सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। देखिए भोपाली के स्वर, गगा रे सा रे रे सा प प ध स रे ग ग म म म ग। अब ये म म म ग यहाँ पे भोपाली से यमन में चले गए, ग ग रे सा 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 रे रे सा प प ध स रे ग ग म म म ग। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। खुली गई की देखिए आप पटियाला घराने की, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। सा सा ग प प प म ग प प प प प म ग ग ग म म ग। दोनों गंधार का 7 प्रयोग, जो कि खासियत है मास्टर सलीम साहब की, बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं वो। मदद कर मेरी अल्लाह, प प प प म ग ग ग ग म म ग। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। सा सा ग प प प म ग प प प प प म ग ग ग ग म म ग। अब देखिए वेरिएशन देखिए नसीबा खोल की, नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। नसीबा खोल दे मेरा, मदद कर मेरी अल्लाह। अब इसकी नोटेशन देखिए, सा सा ग ग ध प म ग प नसीबा खोल, सा सा ग ग ध प म ग प सा ध सा ध प ग ग ग ग म म ग सा ध सा ध प ग ग ग ग म म ग। मदद कर मेरी अल्लाह, तू जिन्नू चावे देवे, ये मर्जी तेरी अल्लाह। गगर फिर वही नोटेशन है,
गगरे सा सा रे सा गगरे सा सा रे सा पप ध सा रे गा गा मा 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 गा नसीबा खोल दे मेरा। अब देखिए मेरा को लेने के क्या क्या खूबसूरत फील दिया है फिरोज साहब ने यहाँ पे मेरा मेरा। फिरोज जी के बाद में खान साहब की एक तान आती है इसकी नोटेशन क्या है पपा मगा पपा सा सा नी द पा मगा पपा मगा पपा सा सा नी द पा मगा है ना दोस्तों। अब इसके बाद जो पूरा गाना चलेगा उसकी नोटेशन यही है, बस लिरिक्स चेंज है दोस्तों। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका जो दूसरी जो कड़ी है जो कि फिरोज साहब ने गाई है, ये पांच सिंगर्स ने गाया है जैसे कि मैंने आपको बताया। पहली कड़ी में मियां शेर मियादाद साहब, फिर फिरोज साहब, उसके बाद फिर खान साहब, फिर कमल खान साहब और फिर मास्टर सलीम जिन्होंने इसको कंपोज किया है ना दोस्तों। तो मैं एक बार फिरोज साहब की आपको लाइनें गा के बताता हूँ, कंपोजिशन यही है बस लिरिक्स चेंज है। देखिए नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुहाई, नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुहाई, बैठिए लड़के सारे माँ पियो पैन दे पाई, बैठिए लड़के सारे माँ पियो पैन दे पाई, नसीबा खोल दे मेरा। अब ये वाली जो चीज है मेरा, दोनों गंधार का प्रयोग है ये ध्यान रखना है, पम ग ग ग मेरा। ये चीज फिरोज साहब और मास्टर सलीम साहब ने किए, लेकिन मियां शेर मियादाद कमल खान साहब और खान साहब ने सिंपल लिया है नसीबा खोल दे मेरा, और दो बार हमें सुनने को मिले नसीबा खोल दे मेरा। तो ये कंपोजिशन है दोस्तों। अब एक बार मैं आपको इसको कैरवा के साथ गा के बताता हूँ ताकि आपको इसका ताल का भी अंदाजा हो। नसीबा खोल दे मेरा मदद कर मेरी अल्लाह, 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 तू जिन्नू चावे देवे ये मर्जी तेरी अल्लाह, तू जिन्नू नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुहाई, नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुहाई, बैठिए लड़के सारे माँ पियो पैण दे पाई, बैठिए लड़के सारे माँ पियो पैण दे पाई, नसीबा खोल दे मेरा। दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, नोटेशन से आपको गाने में हेल्प मिलेगी। आपके लिए संगीतमय सेवा में मैं ऐसे ही आता रहूंगा नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक के साथ। क्लासिकल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ऑल फॉर्म्स कवर्ड ओनली ऑन दिस चैनल रोहित कटारिया। तो आपका अगर सहयोग मिलेगा कमेंट के रूप में, शेयर के रूप में और लाइक के रूप में तो मुझे बहुत पावर मिलेगी और एक हौसला मिलेगा आगे ऐसे और लेक्चर्स बनाने का। आपकी संगीतमय सेवा में ऐसे ही आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।